नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हनी शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया डिफेंस बात, जिस पे हम लाते हैं देश और दुनिया के डिफेंस से रिलेटेड बड़ी खबरें। तो चलिए जानते हैं आज की बड़ी खबरें कौन सी थी। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। इंग्लैंड के प्रिंस विलियम्स और उनकी पत्नी केट इसी साल पाकिस्तान दौरे पर जाएंगे। कैंसिंगटन पैलेस की पुष्टि करते हुए बताया कि यह दौरा ब्रिटेन की विदेश विभाग के आग्रह पर किया जाएगा। जियो न्यूज़ ने पैलेस के शनिवार के बयान के हवाले से कहा है कि दौरे से संबंधित आगे की जानकारी समय आने पर दी जाएगी। प्रिंस विलियम्स और केट का यह दौरा 2006 के बाद ब्रिटेन के किसी भी शाही परिवार का पहला दौरा होगा। 2006 में प्रिंस चार्ल्स और कैमिला ने पाकिस्तान का दौरा किया था। इसके पहले क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड 1997 और 1961 में ये दौरे कर चुकी है। इंग्लैंड में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मोहम्मद नफीस जकारिया ने इस घोषणा का स्वागत किया। जियो न्यूज़ ने जकारिया के हवाले से कहा है कि पाकिस्तान की सरकार और जनता अपने कैम्ब्रिज के रॉयल हाइनेस व ड्यूक एंड डचेस के इस साल पाकिस्तान के शाही दौरे की घोषणा का स्वागत करती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जनता रानी के दौरे को अभी भी याद करती है। आगामी यात्रा को इंग्लैंड का पाकिस्तान के साथ रिश्तों का प्रतिबिंब मानती है। दोनों देशों में ऐतिहासिक संबंध है और दोनों पक्ष इसे और मजबूत करने की कामना करते हैं। बालाकोट जैसे हवाई हमलों के बाद देश की सुरक्षा को और भी मजबूत करने की दिशा में सरकार ने ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान दिया है। ब्रह्मोस एयरोस्पेस के सीईओ सुधीर कुमार मिश्रा का कहना है कि 500 किलोमीटर तक की बढ़ी हुई रेंज के साथ स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण तैयार है। अभी तक यह 290 किलोमीटर तक ही लक्ष्य को भेद पाती थी। मिश्रा ने रविवार को दूरदर्शन पर प्रसारित एक साक्षात्कार में कहा कि मिसाइल की सीमा को बढ़ाना संभव है क्योंकि भारत अब MTCR का सदस्य है। उन्होंने कहा कि अब यह स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार है। साथ ही उन्होंने कहा भारत ने दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के वर्टिकल डीप डाइव संस्करण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और हम पारंपरिक युद्ध की गतिशीलता बदल सकते हैं। 500 किलोमीटर तक की बढ़ी हुई रेंज के साथ स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का उन्नत संस्करण तैयार है। उन्होंने साथ ही कहा ब्रह्मोस मिसाइल का भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 विमान से परीक्षण किए जाने के बाद लड़ाकू विमानों पर लंबी दूरी की मिसाइलों को एकीकृत करने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश बन चुका है। ईरान 2015 में हुए परमाणु समझौते को तोड़ने की दिशा में बढ़ता हुआ दिख रहा है। स्थानीय मीडिया के अनुसार उसने समझौते में यूरेनियम संवर्धन के तय किए गए कैप को तोड़ दिया है। उसने इसका 4.5% तक किया है संवर्धन, जबकि 2015 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों तथा जर्मनी और यूरोपियन संघ के साथ ईरान की डील हुई थी जिसके तहत उसको 3.67% से अधिक यूरेनियम संवर्धन नहीं करना था, जो कि परमाणु बम बनाने के लिए काफ़ी कम था। तेहरान ने यह सीमा ऐसे वक्त तोड़ी है जब उसने विश्व शक्तियों को समझौते को बचाए रखने के लिए 60 दिन का समय दिया था। उधर यूरेनियम संवर्धन को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आगाह किया है कि बेहतर हुआ कि ईरान सावधान रहे क्योंकि आप एक कारण से यूरेनियम संवर्धन बढ़ाएंगे और मैं नहीं बताऊंगा कि वो कौन सा कारण है, लेकिन यह सही नहीं है, बेहतर होगा वे सावधान रहे। साथ ही ट्रंप के शीर्ष राजनयिक तथा विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इससे पहले रविवार को कहा था कि परमाणु समझौते के तहत तय की गई सीमा से संभावित उल्लंघन के जवाब में ईरान को और सख्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। Oh, 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 oh